कंस जैसे पापी तिलक लगाती है तो हम आप ही तिलक लगाएं। तो जिनके मस्तक पर तिलक लगा हुआ उनके पास मत जाना। और देखो खुद भी संस्कारी हो तब तो आगे आने वाली पीढ़ी संस्कारी होगी। आपको खुद ही ज्ञान नहीं होगा हम बच्चों को क्या संस्कार देंगे। आप तो वही बड़ी बड़ी डिग्रियां तो दिलवा दोगे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, लेकिन जो संस्कार है ना वो तो किसी विश्वविद्यालय में मिलने वाले नहीं, वो आपको खुद ही देने पड़ेंगे। जैसे एक ये बच्चे दिख रहे हैं ना ये रोज तिलक लगाता है, ये सुनील दुबे जी का बच्चा है ना, ये शिष्य है हमारी। और पिताजी की होंठ वा ना हो पर ये अपने हाथ से तिलक लगाएगा। और इतने बड़ी बड़ी भी इतना अच्छा तिलक नहीं लगा पाएंगे इतना ही बच्चा लगा लेता है। तो ये संस्कार है, हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें। मेरे भाई यमराज ने कहा कि जिनकी जहवा थी कभी भगवान का नाम नहीं निकलता। जैसे एक बार एक व्यक्ति था उसने प्रतिज्ञा की कि हम भगवान का नाम लेंगे, तो एक महात्मा जी को पता चला पहुंच गए, बोले भैया लोग सीताराम कहो, बोले नहीं कहेंगे, बोले देखो भैया इस जीवन में भगवान का नाम ही सार है, इस संसार असार है, कहो सीताराम, बोले नहीं। अब महात्मा जी को आया गुस्सा, पटक दी और छाती पे बैठ गए, बोले बोल सीताराम। तो आदमी बोला आज तुम हमें मार डालो पर नहीं बोलेंगे। महात्मा जी ने कहा क्या नहीं बोलेगा? महात्मा जी ने सोचा हो सकता है यही कह दे कि सीताराम नहीं बोलेंगे तो ही भगवान का नाम निकल जाए। महात्मा जी ने कहा क्या नहीं बोलेगा? तो वो आदमी बोला कि जो तुम बोल रहे वो नहीं बोलूंगा। तो मेरे श्रोताओं अगर नरकों से मुक्त होना है तो केवल केवल भगवान का नाम ही आधार है। जिन नाम का आधार लेकर के पानी में पत्थर भी तर गए तैर गए। राम नाम आधार जिन्हें जाते हैं गई भी राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। बोल भद्र भद्र भगवान की।
राम जी राम ही राह बनाई राम ही राह बनाई राम कर्म है राम ही करता राम की तकल बढ़ाई राम की तकल बढ़ाई राम काम करने वालों ने राम की थकती कमाई पृथक पृथक नामों से तारे काम करे रघुराई भक्ति परायण निज भक्तों को भक्ति परायण निज भक्तों को तारत्रय दिलाते हैं जिन पर कृपा राम करे कल हमने आपको बताया था देखिए कितना अच्छा संयोग है कि हमारे ठाकुर जी का जो प्राकट्य हुआ वो ही कृष्ण पक्ष दिन बुधवार है ना। तो आज भी आप देख लीजिए आज भी कृष्ण पक्ष दिन बुधवार ही है ना। कितना अच्छा संयोग है मेरे श्रोताओं भगवान की नाम की महिमा भगवान ने कहा कि आप दधीच ऋति के पास जाओ और उनकी हड्डियों से जो वज्र बनेगा उससे वृत्तासुर मारा जाएगा। दधीच ऋति के पास गए हैं तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हमारे भारत वर्ष में जिन्होंने जीते जी अपने शरीर पर नमक लगवा के गाय से चटवा दिया और अपनी हड्डियों का दान कर दिया। दधीच ऋषि की हड्डियों से तीन धनुष बने जिनमें तारंग पिनाक और गांडीव और इन्हीं दधीच ऋषि की हड्डियों से एक वज्र बना है जिसको लेकर के इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया है। सप्तम स्कंद में सुंदर प्रहलाद चरित्र की कथा आती है। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा प्रभु समह प्रिय तो हरद ब्रह्मांड भूतानां भगवान स्वयं इंद्र त्यार्थे कथम दैत्यान वधी द्वितमो यथा। सरकारी बताइए कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं। भगवान ने तो सबको बनाए हैं चाहे देते हो या देवता, किंतु ठाकुर जी भेदभाव क्यों करते हैं कि दैत्यों को तो मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजा ऐसी बात नहीं अभी तो भगवान जितना दैत्यों के ऊपर कृपा करते हैं शायद उतना देवताओं के ऊपर भी कृपा न करते हैं। जब देवताओं को तपस्या करनी हो पड़ती है यज्ञ करना पड़ता है जब भजन पूजन करते हैं
तो जब भगवान कृपा करते हैं किंतु दैत्य केवल गाली देते हैं, भगवान कृपा कर देते हैं। शिशुपाल नाम का दैत्य हुआ, ये तो भगवान को पानी पी पी के गाली देता था, पर ठाकुर जी ने उसको भी अपना धाम प्रदान कर दिया। पूतना नाम की राक्षसी थी तो अपने अस्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा के आई थी मारने के लिए भगवान को, और भगवान ने तो उसको भी माता की गति दे दी। तो ठाकुर जी दैत्यों के ऊपर ज्यादा ही कृपा करते, और एक बार तो भगवान ने एक दैत्य बालक की रक्षा की। राजन, मैंने आपको त्रवण कराया था कि दिति और कश्यप के द्वारा दो पुत्रों का जन्म हुआ, एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का उद्धार बारह भगवान ने किया, अब बचा हिरण्यकश्यप। ये हिरण्यकश्यप भगवान को अपना तत्रु मानने लगा। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए गया है, और मेरे श्रोताओं इधर इसकी पत्नी का नाम है कयाधो। कयाधो का हरण कर लिया था इंद्र ने। रास्ते में नारद जी मिले हैं इंद्र से, कहा इंद्र ये तो कयाधो है, कहां ले जा रहे हो? बोले गुरुदेव, इसके गर्भ में भी हिरण्यकश्यप का ही बेटा पल रहा, अभी इसके बाप के कारण परेशान है, जन्म लेगा ये बेटे के कारण भी परेशान होंगे, तो मैं सोच रहा कि कयाधु को ही मार दूंगा, ना रहेगा बात ना बजे की बांसुरी। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे, तुम्हें पता नहीं कि कयाधु के गर्भ में तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त पल रहा, और कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में लाए हैं। नारद जी मारे, कयाधु जी कथा सुनती, कीर्तन करती, शशंग करती नारद जी के आश्रम में, और वही प्रभाव गर्भगत बालक के ऊपर पड़ा है। बालक भी भगवान का भक्त हुआ। तो मेरे भाई, जब माता गर्भवती हो, गर्भ में बच्चा हो, वो मां जैसा कृत्य करती है, बालक के ऊपर वैसा प्रभाव पड़ता है। तो माताओं को चाहिए कि उतने समय बढ़िया भगवान का भजन करें, भगवान का नाम लें, पूजा पाठ करें। तो बाल कयाधु जी ने सत्संग किया, उसी का प्रभाव के बालक भी भगवान का भक्त हुआ। प्रहलाद जी का जन्म नारद जी के ही आश्रम में हुआ है, और मेरे श्रोताओं हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। वो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से कहा, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर वरदान देना चाहो तो एक ही वरदान दो कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले, ये वरदान तो नहीं दे सकता, क्यों? ये चार्ज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम खुद ही अमर नहीं, तुम्हें क्या अमर बनाएंगे, और कोई वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा है कि ना मैं दिन में मरू, ना रात में, ना घर के भीतर मरू, ना घर के बाहर, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अर्थते मरू, ना तत्रते मरू, ना जीवते मरू, ना निर्जीवते मरू, ब्रह्मा की बनाई हुई दृष्टि में किसी से ना मरू, मनुष्य से मरू, ना पशु से मरू, 12 महीनों में ना मरू। ब्रह्मा जी ने कहा, तथा तू अब तो ये अपने आप को समझ गया कि मुझे कौन मारेगा, मैं तो अमर हो गया। ये अपने नगर में आया है, प्रहलाद जी और कयाधु जी को नारद जी महाराज जोड़ने के लिए आए। प्रहलाद जी को शुक्राचार्य जी के विद्यालय पढ़ने के लिए भेजा है, आसुरी विद्या, राक्षसी विद्या पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य जी के विद्यालय भेजा, जहां पर शुक्राचार्य जी के दो पुत्र सांडमर को आसुरी विद्या पढ़ाते हैं।
मेरे श्रोताओं एक वर्त बाद जब प्रहलाद जी अपने घर आए तो इनकी मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया प्रहलाद का और कहा कि जाओ अपने पिताजी को प्रणाम करके आओ। और प्रहलाद जी महाराज जैसे ही प्रणाम करने के लिए गई, बड़ी सुंदर है प्रहलाद जी, तो हिरण्यकश्यप अपने आप को रोक नहीं पाया और तिंग हाथ में कूद पड़ा और अपने बेटे को ले लिया और गोद में बैठा लिया। प्रहलाद से बोला, प्रहलाद जो तुम्हें तबती अच्छी बात लगती हो, जो तुमने तबती अच्छी बात पढ़ी हो, तुम मुझे वो बताओ। प्रहलाद जी विचार करते हैं कि पिताजी पूछ रहे कि कोई अच्छी बात बताओ, वो हमारे जो गुरुजी हैं विद्यालय में वो तो अच्छी बात बताती। और अच्छी बात पूछ रहे हैं तो चलो अच्छी बात पूछ रहे तो अच्छी बात बताए। पिताजी संसार के प्राणी में और मेरे के झोटिया ग्रह में पड़े हैं, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये उपकार है। और ऐसी प्राणियों के लिए तो मैं यही ठीक समझता हूं कि घर एक अंधे कुएं के समान है, तो घर को छोड़ के जंगल में जाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने जैसी सुना तुरंत तांडमर्क को बुलाया, जग धरा कि हमारे बेटे को कैसी ऊटपटांग की पढ़ाई पढ़ा दी। तांडवर को बोले दुहाई हो तरकार, पर ना जाने आपका बेटा कहां से ऐसी बात कर रहा और जो ही आपको बात बता रहा है हमारे विद्यालय में कोर्स है ही नहीं, ये कोर्स है ही नहीं। दोबारा प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए हैं और जब पुनः आए हैं तो हिरण्यकश्यप ने पूछा है प्रहलाद बेटा इतने दिनों में तुमने गुरुजी से शिक्षा प्राप्त की उनमें से कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी फिर विचार कर रहे हैं कि गुरुजी कोई अच्छी बात बताते ही नहीं हो, बार बार पिताजी पूछते हैं कि अच्छी बात बताओ। तो इस बार तो प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नौधा भक्ति का उपदेश दे दिया, नौ प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनं। पिताजी भगवान नारायण की भक्ति के नौ भेद हैं, नौ प्रकार की भक्ति है और आप लोग भी ध्यान दें। पहली भक्ति श्रवणम श्रवण भक्ति, जो आप लोग कथा सुन रहे हैं ना ये पहली भक्ति कर रहे हो। दूसरा कीर्तनम, जब कीर्तन करते हो ना तो दूसरी भक्ति हो जाती है। स्मरणम, जब कथा सुन के घर जाते हो स्मरण करते हुए तो तीसरी भक्ति हो जाती है, भगवान के चरणों की सेवा। अर्चन भक्ति, वंदन भक्ति, दास भाव लाए, हम राम जी के दास हैं। सत्य आत्मनिवेदन, सख्य भाव लाए, भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन कर दें कि अब चाहे जैसे हैं अच्छे हैं या बुरे हैं आप ही के हैं, हम हैं त्रि भगवान के और मेरे त्रि भगवान।
और एक मंत्र बता रहे हैं हम आपको, आप लोग ध्यान दें, चाहे सवेरे से स्नान किया हो या ना किया हो, इस मंत्र का जप करो, चाहे किसी भी हाल में रहो, कहीं भी रहो, पवित्र रहो या अपवित्र रहो, पर एक मंत्र इतना बढ़िया है कि आप उसका जप कर सकते हो। वो मंत्र कौन सा है? अमाय तांता, तभी बोले हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, 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 हम साथ में आप लोग बोले, बड़ा प्यारा मंत्र है, उसमें ही कल्याण हो जाएगा। तो सभी बिल्कुल ऐसे हम मीठी मीठी ताली देवा करते हुए, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, हम राम जी के, राम जी हमारे हुए, तब तो आनंद आएगा भाई। नौ दुर्गा तो चल ही नहीं कि तब लोग व्रत करके आए हो, ऐसे लग रहा जैसे नौ दिन से कुछ खाया पिया ना हो, मरती से झूमते हुए, हम सीता जी के, सीता जी हमारी, प्रहलाद जी महाराज ने नौ प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया है। त्रिविड़म कीर्तनम विष्णु इष्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात निवेदनम। पिताजी, इन नौ प्रकार की भक्ति इस जीव को करना चाहिए। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोधित हुआ है, पहले तो प्रहलाद जी को बड़ा समझाने का प्रयास किया कि मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद जी ने जब भगवान की भक्ति करना बंद नहीं किया तो अनेक प्रकार से मारने का प्रयास किया, पहाड़ से गिराया है, सांपों से डसवाया है, हाथियों के नीचे कुचलवाया है, अस्त्र शस्त्रों से मारने का प्रयास किया, जहर दिया, पर भक्त के लिए तो जहर भी भगवान की कृपा से अमृत बन जाता है।
होलिका के द्वारा जलाने का प्रयास किया, पर होलिका जल गई, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। जाको राखे ताईया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके तो जग बे हो। जिसके रक्षक हैं भगवान उसे कोई मार नहीं सकता, वो प्रभु जगन्नाथ का दात जगत से हार नहीं सकता। असुर बालकों को भी प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। एक बार विद्यालय में थे, और एक बात और मैं बताता चलूं, जब ये होलिका जली है प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, तभी से होली का त्योहार हम आप मनाते आ रहे हैं। तो देखो दो प्रकार की होली मनाई जाती है, कई लोग गोबर की होली मनाती हैं, है ना, कई लोग रंग गुलाल की, एक दूसरे को रंग गुलाल मना के प्रसन्नता दिखाती हैं। और कई लोगों को देखा होगा कि वो पी के नाली में डले रहते, तो जानते हो ये कारण, ये उस समय भी हुआ था जब होली का जली तो जो हिरण कश्यपु के पक्ष के थे वो तो पी के नाली में डले थे गम के मारे, होली का बुआ जल गई। और जो प्रहलाद जी के पक्ष के थे वो बढ़िया रंग गुलाल उड़ाने लगे, तो उस समय भी दो पक्ष था। असुर बालकों ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद क्या तुम्हें डर नहीं लगता? देखो भैया, हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी तेरी तरह कीर्तन करें, पर जैसे तेरे बाप की तकल याद आती है ना, तो पूरा कीर्तन धरा का धरा रह जाता है, पूरा कीर्तन भूल जाते हैं। किंतु प्रहलाद तुम अभी तक क्यों पड़ गए कीर्तन के चक्कर में, भजन के चक्कर में, बाद में करती, अभी आपकी आयु ही क्या है? तो प्रहलाद जी ने कहा, भैया कौमार आचरित प्राज्ञों धर्मान भाग बतानि हम, दुर्लभो मानुतम जन्म तदप्य गवमर तदम। भैया इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, और केवल इसी के द्वारा ही उस अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो बुढ़ापे का इंतजार नहीं करते, या जवानी के भरोसे नहीं रहते, बचपन से ही भगवान का भजन करते हैं। और अब तो सभी असुर बालकों के साथ प्रहलाद जी ने कीर्तन किया है, हिरण्यकश्यपु को पता चला, प्रहलाद को पकड़वाया है। आज हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोध में और प्रहलाद से बोला, प्रहलाद हे दुर्विनीत मंदात्मन, अरे दुर्विनीत, अरे कुलभेदी, हमारे दैत्य रूपी चंदन वन में तू तो कंटक उत्पन्न हो गया, तुझे इतना किसके बल का अभिमान है? जिसके बल पर आप ने सारी त्रिलोक के ऊपर विजय प्राप्त की है, जिसकी लव मात्र बल को प्राप्त करके आपने सभी जगह विजय प्राप्त की, उसी के बल का अभिमान है। जब रावण ने हनुमान जी से पूछा तो यही बात हनुमान जी ने भी कही थी। रावण ने हनुमान जी से कहा कि बता किसके बल का अभिमान है, तो हनुमान जी ने कहा था जा केवल लवलेश ते
नागत दूत में जा करे हरियाण हूँ प्रिय नाम। आज वही बात प्रहलाद जी बता रहे हैं कि जिसकी लव मात्र बल को पाकर की आपने त्रिलोक के ऊपर विजय प्राप्त की, आज मुझे उसी बल के बल का अभिमान है। बताती रहो भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। अरे ये पूछो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है, मेरा भगवान तो हम में तुम में खड़क खंभ में। तो क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? हाँ पिताजी, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमें तो दिखाई देता है, और आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो नेत्र वो दृष्टि आपके पास है ही नहीं, वो चश्मा आपके पास है ही नहीं जिससे भगवान दिखाई दे, है ना? वो चश्मा कौन सा है? प्रेम का चश्मा, भक्ति का चश्मा, उतने ही भगवान दिखाई देते हैं।